चूँकि यहाँ जाड़े का मौसम बहुत शिवर होता है, खतरनाक सर्दी होती है, लिहाजा ये ट्रेडिशनली हमारा ये काम चलता है सदियों से कि इसके बगैर हम चले कलान में नहीं रह सकते। चले कलान यहाँ का सबसे सर्द सीजन होता है, तो ये कांगड़ी हमें जरूरी है, बहुत जरूरी है। साढ़े आठ माइनस है, अगर ये कांगड़ी नहीं होती तो हम जिंदा नहीं रह सकते। कान अत कान पे अनान तो लागान बॉयलरस पान अथ सी वन ज्यादा वन कि नफर सारी अथ सी लगान अत सह तुवा घंटे पाकवन तैयार करनस कुछ ये वगैरह शगर बेत अत मोहनी तो पकान ऊर पे वाना ये मरहलस पे कर छलान छलान पे करा कम अ चीज हा पे मांडन करें अत मटीरियल त्रा तो पे बना मशीन पे पकन कर बटस बन यहाँ बान गर्म तुन गान अद ग ठीक ना यह क्लियर कहें यह गह गर्म यह बान अद ये कांगड़ी आज अपनी जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। बशीर अहमद यहाँ के एक कारीगर को इसको बहुत अरसा लगा बनाने के लिए और इस कांगड़ी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए तक होती है। इसमें लगता है कम से कम 6-7 दिन, एक हफ्ता लगता है इसमें। ये कांगड़ी इसलिए बनाती है, ये शो के लिए भी लगता है, किसी शादी के लिए लगता है या डेकोरेशन के लिए लगता है, होटलों में बड़े बड़े कारखानों में लगता है। ये कश्मीरी की एक तारीफ की शिनाखत है, यहाँ की कारीगरी है, और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया जो यहाँ की कांगड़ी है वो डेकोरेशन में आती है। ये कांगड़ी ये तापने के लिए नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए। जो इसमें बढ़िया कोयला अगर होगा, अच्छा कोयला होगा, तो इसमें 24 घंटे निकलेंगे। अगर कमजोर कोयला होगा तो वो 2-4-5 घंटों में खत्म हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी जगहों पे कश्मीर में बनाई जाती है, लेकिन चार शरीफ वाली जो कांगड़ी है ना, इसका कहीं और मिसाल, इसकी कोई और जोड़ नहीं है, मुबदल नहीं है।